हेलो स्टूडेंट्स, आई वॉज़ टीचिंग यू चैप्टर 5 ऑफ जावा, दैट इज़ इनपुट। तो मैंने आपको ये भी बताया कि वॉट आर द फंक्शन विच आर यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। आई हैव टोल्ड यू अबाउट स्कैनर क्लास, कंसोल, इनपुट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट एरर। मैंने ये भी बताया कि सिस्टम डॉट इन यूज़ होता है टू टेक इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस। सिस्टम डॉट आउट होता है यूज टू डिस्प्ले मैसेज थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, एंड इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ होता है। सिस्टम डॉट ERR मीन्स सिस्टम डॉट एरर यूज़ होता है टू फाइंड आउट द एरर वाइल यू राइट योर जावा प्रोग्रामिंग। सो टुडे आई विल टीच यू वन मोर इनपुट डिवाइसेस, वन मोर इनपुट कमांड, दैट इज बफर कैरेक्टर स्ट्रीम। वॉट इज बफर कैरेक्टर स्ट्रीम? टू रीड कैरेक्टर डेटा वी यूज बफर्ड कैरेक्टर स्ट्रीम। व्हेनेवर, जब भी हमें कोई कैरेक्टर को पढ़ना हो, टू रीड कैरेक्टर, व्हेनेवर वी वांट टू रीड एनी कैरेक्टर देन वी कैन यूज़ बफर कैरेक्टर स्ट्रीम। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ प्रोग्राम। यू कैन सी आई हैव रिटन हियर। हम एक क्लास बनाएंगे टेस्ट जिसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होगा। मेन मेथड कैसे लिखते हैं आपको पता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट थ्रोस IO एक्सेप्शन वॉइड। ये क्वेश्चन है कि वॉइड और जो पब्लिक वॉइड हम लोग लिखते हैं या फिर हम नॉर्मल मेथड लिखते हैं, तो वॉइड कीवर्ड क्या होता है, वॉइड कीवर्ड का क्या मतलब है? इट इज़ यूज टू रिटर्न नल वैल्यू। वॉइड मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। हम लोग बफर रीडर का क्लास बनाएंगे। बफर रीडर, रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर। ये जो लाइन है बफर रीडर, रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर, न्यू कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कौन सा इंस्टेंस? हमने जो बफर रीडर बनाया उसका हम ये नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू बफर रीडर। उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर डॉट सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन मैंने आपको बताया था, इट इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट विद द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कमांड लेने के लिए हम सिस्टम डॉट इन का यूज़ करते हैं। नाउ स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू रीडर डॉट रीड लाइन। इस लाइन का यूज़ है कि यूज़र जो भी लिखेगा वो पूरी लाइन को पढ़ने के लिए। दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी ईजी। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन में क्या हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइन। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप लाइन में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टू रीड कैरेक्टर, हम कैरेक्टर डेटा मतलब लाइन यहाँ पे कैरेक्टर को पास कर रहे हैं। यू कैन सी वी हैव पास्ड हियर लाइन ओनली। तो हमें क्या आउटपुट होगा, हमें आउटपुट मिलेगा लाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनपुट को रीड नहीं कर रहे हैं, हम कैरेक्टर स्ट्रीम, कैरेक्टर का स्ट्रीम मतलब बहुत सारे कैरेक्टर के स्ट्रीम। तो एक लाइन जो होता है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। यू नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल लिटिल बेसिक इंट्रोडक्शन इन दिस चैप्टर ऑफ इनपुट डिवाइस। मैंने क्या क्या चीज़ें तुम्हें बताई हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, प्रोसेस के लिए, और अभी ये बफर कैरेक्टर स्ट्रीम किस लिए, टू रीड कैरेक्टर स्ट्रीम। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू विल सी दिस वीडियो विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, इफ़ यू विल राइट इट डाउन, यू नीड टू राइट इट डाउन वट एवर आई एम टीचिंग यू। आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट होता है आपको लिख लेना चाहिए, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू।